अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पेड़ पे कैसे सो गया? शायद मैं बेहोश हो गया था। पर कैसे, क्यों? वो शादी के छोड़े में कौन था? सच था या सपना था? मुन्ना, मुन्ना, क्या क्या हुआ बेटा? तू ठीक है ना? मुन्ना के पापा देखिए ना, मुझे लगता है देवर जी को सब याद आ गया। हाँ शायद। देवर जी हमारे पास वापस आ रहे, क्या भोलेनाथ ने हमारी सुन ली? मुझे सब कुछ याद आ गया। उस वक्त में भले ही बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया। वो शादी का जोड़ा, वो मंत्र, सब कुछ। कल रात को उस दुल्हन के जोड़े में तुम ही थी ना? वो घूंघट के पीछे तुम ही थी कि नहीं? हाँ जी, हम ही थे। वो हमारी शादी का जोड़ा था, हमारी। और इतनी रात को डॉक्टर राधिका, आप शादी के जोड़े में क्या कर रही थी घर पे? और मेरे कमरे में आने से मैंने आपको साफ साफ मना किया, फिर भी आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये डॉक्टर राधिका, पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या मतलब बनता है रात को शादी के जोड़े में घर पे घूमने का? मुन्ना, वो कल डॉक्टर राधिका अक्का की शादी की सालगिरह थी, इसलिए वो शादी के जोड़े में घूम रही थी। वो कल अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और अचानक से उनके कमरे की लाइट चली गई, तो शायद गलती से वो तेरे कमरे में आ गई थी। आप भी ना डॉक्टर राधिका, आपकी शादी की सालगिरह थी ना, तो शादी का जोड़ा पहन के कौन घूमता है घर पे? मुझे तो लगता है आपको डॉक्टर नहीं, आपको नाटक कंपनी में होना चाहिए था। मुन्ना, तो इतना चिढ़ क्यों रहा है बेटा? अरे उनकी शादी की सालगिरह थी, उनको अपने पति की याद आ रही हो। मुझे इनके पति के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और डॉक्टर राधिका, आपको जो भी नाटक नौटंकी करनी हो ना, तो वो प्लीज अपने कमरे में कीजिए। ऐसे शादी का जोड़ा पहन के आधी रात में घर पे नाचने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी तविंद्र जी।
सॉरी। एक काम कीजिए, मैं आपको डायरी देता हूँ, उसमें आप आई एम सॉरी लिख लीजिए। जब भी आप गलती करेंगे ना, मैं खुद ही खोल के ये डायरी लो और इसके हर एक पन्ने पे लिख दो सॉरी। माँ मैं वॉक पे जा रहा हूँ। मैं भी आता हूँ। कल रात को आपने अपने हाथ में मेहंदी भी लगाई थी ना? हाँ बस थोड़ी सी लगाई थी। हाथ दिखाई। डॉक्टर राधिका, मैंने कहा अपना हाथ दिखाइए। ये चोट कैसे लगी आपको? जो हमारे मुन्ना के नाम की मेहंदी इतने शौक से लगाई है ना तुमने, मिटाओ उसे। अगर कहीं उसने देख लिया तो 10 सवाल करेगा। मिटाओ। मेहंदी है राधिका, कोई पेन का लिखा हुआ नहीं है जितनी आसानी से मिट जाएगा। गलती से लग गई थी। दिव्यम को राधिका की फिक्र कब से होने लगी? मुन्ना, तुझे वॉक पर जाना था ना बेटा? हाँ माँ। अरे ये अटक गया। ये अटकाट की पति पत्नियों के बीच में अच्छा लगता है, ऐसे अनजानों के बीच में नहीं। ये और इनका पति पान। राधिका, तुम्हारी कोशिश तो फेल हो गई। अब डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करने दो। जी दादी। सारा प्लान चौपट हो गया। देवर जी तो नाराज होकर चले गए। क्या हो गया देवरानी जी? हार का सदमा ऐसा लगा आपको कि आप रोने की जगह मुस्कुराने लगी? कली भाभी, हम हारे नहीं हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी को कुछ याद नहीं आया, पर हमने उनकी आंखों में देखा है। हमारे पति का नाम सुनते ही वो चिढ़ गए और नाराज होके चले गए। और वो चिढ़ इसलिए थी क्योंकि उनके दिल में आज भी आपके लिए। भगवान करे देवरानी जी कि ये आपका भ्रम नहीं बल्कि सच हो। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।